नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफ स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ, जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन को लेकर है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में सवाल है और सभी सवालों के जवाब हमेशा की तरह सटीक दिए जाएं ऑनलाइन डफ स्टडी चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर बिल्कुल भी रुकने नहीं चाहिए, लगातार आप सभी करते रहिए और लगातार जो जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डफ स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो ऐसे में जो भी आपके मन में डाउट होगा, मुझे उम्मीद है कि अब तक हमने जितनी वीडियोज आप सभी सामने डाली है लगभग सभी टॉपिक हमने क्लियर कर दिए। अगर फिर भी आपके मन में सवाल है तो आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो पुराने वीडियोस डाले गए हैं सुबह से लेकर अब तक या फिर रात वाले, एक बार अवश्य देख लें, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट सीरीज लगाना। आप कितने भी कॉन्सेप्ट क्यों ना पढ़ रहे हो, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं आपकी प्रिपरेशन रहेगी अधूरी, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से एक्यूरेसी और टाइमिंग में बदलाव आएगा। तो ऐसे में टेक्स्ट बुक जो कि मार्केट लीडर है टेस्ट सीरीज में, जिसके टेस्ट सीरीज 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट अभी तक लगा चुके हैं, वो आप सभी के लिए लेकर के आए हैं यूपी टीईटी के लिए 86 मॉक टेस्ट। साथ में आपको रीट के भी मिलेंगे लगभग 154 टेक्स्ट बुक के पास, जो कि आप सभी जाकर के ले सकते हैं। तो यूपी टीईटी के साथ में रीट की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही यूपी की अदर वैकेंसीज के लिए यूपी लेखपाल के लिए 43 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जिसमें 4 बिल्कुल फ्री हैं। साथ में यूपी एसआई के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करें तो 61 टेस्ट आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक पर, जो कि 3 बिल्कुल फ्री होंगे। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए 163 मॉक टेस्ट, साथ ही आरआरबी ग्रुप डी के लिए 170 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ ही आपको रेलवे, एसएससी, डिफेंस और 200 से ज्यादा एग्जाम के 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट 1 साल के लिए मिलेंगे सिर्फ 299 में। मेरा कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे OAS कैपिटल में 10 लगाएंगे तो इस पर आपको मिलेगा 30 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। पाइए, अवेल करने के लिए टेक्स्ट बुक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी अवेल करिए। सभी मॉक टेस्ट को लेने के लिए 299 में आप जा सकते हैं, जिसमें आपको 30 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा OAS 10 के साथ। बाकी अलग अलग आप बाई करना चाहते हैं तो जाइए लिंक पर क्लिक करिए और अभी अवेल कर लीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जूनियर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसके बाद से तमाम जानकारियां आप सभी को मिल चुकी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि कहीं ना कहीं छात्रों को मिलनी ही, लगातार छात्र इन चीजों को लेकर परेशान है। चाहे अगर बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, सब्जेक्ट को लेकर किस प्रकार चुना जाएगा, भाषा के बारे में, गणित को लेकर, विज्ञान के बारे में, परीक्षा और पाठ्यक्रम और भी तमाम चीजें देखने के लिए मिल रही, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार तमाम चीजें आप सभी के मन में आ रही होंगी, बहुत सारी जानकारी मिली होगी, लेकिन जो मेन चीज आप सभी को मिलनी चाहिए वो आप सभी को ऑनलाइन डफ स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए लगातार आप सभी लाइक और शेयर करते रहिए, हर एक ग्रुप के अंदर ऑनलाइन डफ स्टडी चैनल छा जाना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा सबसे पहले दो चीजें, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको जो मैं दिखाने वाला हूं पहले आपको उसको समझना पड़ेगा, जो कि है नोटिफिकेशन। क्योंकि जितने भी आपके मन में सवाल हैं वो लगभग नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। उसी क्रम में सबसे पहला शासन आदेश यहाँ पे जो जारी किया गया था, उसके अंदर आप सभी को 2 सेकंड के अंदर जानकारी देना चाहूंगा कि आवेदन के लिए पात्र अभ्यर्थी के बारे में जानकारी दी गई थी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए, प्रदेश के शासकीय सहायता जूनियर हाईस्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर जारी किया गया था। उसी क्रम में इसके अंदर और भी तमाम जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली थी, आवेदन को लेकर, आयु को लेकर, जो कि मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बता दिया है, जाकर के देख लो, योग्यता के बारे में सारे सवालों के जवाब दे दिए गए हैं। साथ में आपकी जो परीक्षा है वो आप सभी को बताया कि ओएमआर पे होगी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही आप सभी को यह भी बताया गया था कि टीईटी आप सभी के पास में होना चाहिए, जो कि मैं आपको पहले से बता चुका हूं। साथ ही आप सभी को बताया कि जो आपकी परीक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार देखने के लिए मिलेगी विषयवार, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, इसीलिए मैं आप सभी को यहां पर छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, 150 अंक आप सभी के होंगे, साथ में 150 प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे। उसी क्रम में तमाम जानकारी आप सभी के सामने नीचे देखने के लिए मिल जाती है। तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसके अंदर ज्यादा जानकारी तो नहीं थी, बस इतना बताया गया किस प्रकार आपकी जो परीक्षा है वो होगी। उसी क्रम में कल की तारीख के अंदर फिर से एक नया जियो जारी किया गया, जिसके अंदर जानकारी देखने के लिए मिली कि भाई भर्ती के अंदर क्या क्या होगा। तो ऐसे में यहाँ पे आप सभी के सामने बहुत सारे जो पॉइंट है वो लिखे हैं। अब सवाल पे आते हैं, सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है कि भाषा के बारे में किस प्रकार चीज़ें देखने के लिए मिलेगी पेपर को लेकर। पहले मैं आप सभी को जल्दी से समझा दूँ, पाठ्यक्रम के बारे में मैंने कल ही वीडियो बना दिया था रात को, जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार अवश्य देख लेना। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें भर्ती परीक्षा के लिए, पाठ्यक्रम आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जो कि निर्धारित सभी के लिए सेम होगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं। पहले मैं इसीलिए इसको समझा रहा हूं क्योंकि आगामी समय के अंदर अगर आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करेंगे तो ऐसे में ये तो सबके लिए है, इसकी बेस्ट प्रिपरेशन आप सभी को मैं करवाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सारी जानकारी और साथ में बिल्कुल रियल ऑथेंटिक चीजें आप सभी को यहां से देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसे में पहले नंबर पर आप सभी के सामने आता है करंट अफेयर, जो कि लगातार मैं आप सभी को करवाता रहता हूं, राष्ट्रीय साथ में अंतरराष्ट्रीय सारी चीजें आप सभी कवर करा दी हैं, और पिछले लगभग अगर बात की 6 से 7 या 8 महीने का करंट अफेयर भी आप सभी को करवा देंगे, ठीक है। भारत के इतिहास के बारे
में, भारत के भूगोल के बारे में सारी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री इसके अंदर नहीं आने वाली है, जो भी होगा सारा भारत का देखने के लिए मिलेगा। उसी क्रम में नीचे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा सामान्य विज्ञान के बारे में, जिस दिन को लेकर भी कोई ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं पूछा जाएगा। तो जितने भी छात्र इस परीक्षा को देने वाले हैं उनको ज्यादा परेशान इस पार्ट को लेकर होना है, क्योंकि अगर इस पार्ट में आपने नंबर गेन कर लिए तो जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसके अंदर तो आप नंबर ले ही आएंगे और 100% आपकी जो परीक्षा है वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो 50 नंबर होने वाले हैं इसके ऊपर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा, अगर आपने इस पर मेहनत सही तरीके से कर दी। क्योंकि ये छोटा सा पार्ट लगता है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जैसा कि आपके सामने लिखा है पर्यावरण को लेकर, आर्थिक सामाजिक विकास के बारे में, साथ ही भारतीय राजनीति, शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटी के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस पार्ट से काफ़ी कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, बाकी रीजनिंग को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये जो पार्ट है वो सबके लिए है, लेकिन अब ऐसे में सवाल वही आ जाता है कि हमारी जो परीक्षा होने वाली है वो लगभग 150 प्रश्नों की होगी, उसमें से 50 तो ये वाले निकाल दो। इसके अलावा जो आप सभी के सामने बचेंगे वो बच जाते हैं 100 क्वेश्चन, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग में से, चाहे भाषा के, जैसे कि जिसके अंदर हिंदी आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, संस्कृत भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, उर्दू इसके अंदर नहीं होती है। तो ऐसे में अगर बात करें सामाजिक अध्ययन भी आप सभी के सामने आती है। अब मैं आप सभी को क्लियर कर दूं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, अब तक जितनी भी इसके बारे में नियमावली जारी हुई है मैंने आप सभी को पिछले वीडियो के माध्यम से दिखाया कि मेरिट किस प्रकार बनेगी, और साथ में ये भी बताया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में उसके अंदर कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ था, अगर होता तो मैं आप सभी को बताता। ऐसे में आज की तारीख के अंदर नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है। खासकर आप सभी को बता दूं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर दोनों ही नोटिफिकेशन के अंदर कोई जानकारी नहीं दी गई है और ना ही ऐसा होने की संभावना लग रही है। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की जाए उसके बारे में दोनों जो जियो जारी किए गए उसके अंदर कोई जानकारी नहीं है और ना ही ऐसा होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में सबसे बड़ा सवाल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में है, कैसे बनेगा, हम किस प्रकार आवेदन करेंगे, हम इस पर ही बात करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि इसके अंदर जानकारी आप सभी के सामने दी गई है कि 18 तारीख को विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर भी परेशान है कि 50% के बारे में क्या होगा, मैंने पिछले वीडियो में बता तो दिया है लेकिन अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर क्या होने की संभावना है, अब तक जो नोटिफिकेशन आएगा क्या उसके अंदर भी सेम चीज होगी। देखो जो 18/2/2021 को नोटिफिकेशन आने वाला है ना उसके अंदर आप सभी को बताया जा सकता है 50% के बारे में, क्योंकि नियमावली के अंदर तो लिखा हुआ है कि भाई 50% होना चाहिए। अब पीजी बेस पे आप सभी को राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती है ये आप सभी को विस्तृत जानकारी मिलेगी 18 तारीख के आने वाले नोटिफिकेशन के अंदर। उससे पहले आप सभी को किसी प्रकार की कहीं से भी कोई जानकारी मिलने की संभावना नहीं, क्योंकि नियमावली के अंदर जो लिखा है लगभग वही नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी कहने की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर परेशान है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन शायद इसके अंदर नहीं मांगा जाएगा और ना ही ऐसा होने की कोई संभावना है अभी तक जो चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में लगातार इसको लेकर सवाल है। चूंकि आप सभी को बताया कि अभी तक जो कहने की भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है उसके अंदर एक एक पॉइंट आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो आगामी समय के अंदर जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं उनको किस प्रकार आवेदन करना पड़ेगा, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि पहला तो पार्ट आप सभी के लिए सबके लिए नेसेसरी है, मतलब कि आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप हिंदी में आवेदन करेंगे तो हिंदी की आपकी परीक्षा होगी, भाषा के अंदर जैसा कि आपको पता इंग्लिश भी आ जाती है, संस्कृत भी देखने के लिए मिलती है, गणित और विज्ञान के लिए आप सभी करेंगे तो गणित विज्ञान के आप शिक्षक बनेंगे, है ना। तो ऐसे में इसके अंदर कहने की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो मामला होता है वो पूरे तरीके से खिचड़ी को पका देता है, विज्ञापन को पूरे तरीके से बर्बाद कर देता है, जैसा कि आप सभी ने कई बार देखा भी है कि कहीं कि कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत सारे विवाद होते हैं, मामला न्यायालय तक चला जाता है। तो ऐसा होने की संभावना इसके अंदर बिल्कुल भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ऐसी देखने के लिए मिली है। बाकी जो 18 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसे में अभी अगर देखा जाए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर तो शायद इस भर्ती के अंदर नहीं मांगा जाएगा। सिंपल तौर पर हो सकता है जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूं बिल्कुल नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाए कि जब आपका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा तो ऐसे आप सभी को यहां से जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिल सकती है कि अगर आपका फाइनल ईयर के अंदर हिंदी है तो आप हिंदी के लिए आवेदन करेंगे, इंग्लिश है तो आप इंग्लिश के लिए जाएंगे। अब ऐसे में जो साइंस के लिए गए वो साइंस की चीजें देखने के लिए मिलेंगी, जो बायो वाले होंगे उनके लिए समस्या देखने के लिए मिलेगी, उनको 12th लेवल की मैथ भी पढ़नी पड़ेगी। हालांकि ये चीजें 18 तारीख को आगामी नोटिफिकेशन के अंदर देखने के लिए मिलेगा, अभी तक इसके बारे में दोनों ही नोटिफिकेशन पूरे तरीके से मौन है क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन अभी तक की सुनाइयों को देखा जाए ये जानकारी आप सभी को कहीं पर मिलेगी भी नहीं। मैं आप सभी को फिर बता दूं ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के
माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब देने का जो प्रयास है वो किया जाता है। चूंकि जूनियर शिक्षक भर्ती इससे पहले हुई भी नहीं है और ना ही किसी ने अभी तक आप सभी को बताया होगा, और बताया तो कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, इसीलिए आप सभी के सामने सारे सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, बाकी जो दूसरा पार्ट आप सभी का आने वाला है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसी में से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको और भी सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आपको पता है जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है जो कि जियो है। भाषा अगर हम बात करें वन के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिलेगी हिंदी इंग्लिश, साथ में आप सभी को बता दिया है विज्ञापन साथ में विज्ञान या फिर गणित है ना, तो इसमें से सामाजिक विषय भी आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही जैसा कि आप सभी को बताया गया कि पहला पेपर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सामान्य ज्ञान का, जिसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले डिटेल में हमने चर्चा की है जो सबके लिए है। लेकिन भाषा का चयन करने वाले हिंदी संस्कृत अंग्रेजी में से किसी एक विषय या फिर अगर बात करें विज्ञान या फिर गणित या फिर आप सभी के सामने सामाजिक विषय में चयन करने वालों को सामाजिक विषय का जो पेपर है वो देना पड़ेगा जो कि 100 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में अभी तक के जो भी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उसके अंदर इस प्रकार की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर चीजें नहीं है। तो आगामी समय के अंदर जो 18 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला है उसके अंदर सारी चीजें आप सभी के सामने स्पष्ट कर दी जाएंगी। तो ऐसे में आप सभी को इससे ध्यान हटाकर इस पर ध्यान लगाना है कि किस प्रकार आपको यहाँ से जो अपनी एक सीट है वो लेनी है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो 50 नंबर का पार्ट होने वाला है इस पर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगन के साथ में 100% आप सभी को मिल जाएगा, और इसी से आपकी जो मेरिट है पूरी तरीके से डिसाइड होगी। क्योंकि दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि अपने सब्जेक्ट के अंदर हर एक कहीं ना कहीं सुरमा होता है, तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना है इसके अंदर। साथ ही जो रीजनिंग आने वाली बिल्कुल बेसिक लेवल की देखने के लिए मिलेगी, अगर आपने SSC रेलवे के एग्जाम दिए होंगे तो उसी लेवल की आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला। तो ऐसे में जो पार्ट टू आप सभी का देखने के लिए मिलेगा आपके सब्जेक्ट से होगा, जिसके लिए आप लोग आवेदन करेंगे। अब किस प्रकार करेंगे मैंने अभी आप सभी को बता दिया है, बाकी 18 तारीख को आने वाले नोटिफिकेशन के अंदर जल्दी आप सभी के सामने जो चीजें वो स्पष्ट हो जाएंगी, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 22 तारीख से आप सभी को करने पड़ेंगे आवेदन, और भी जो तमाम जानकारी है वो आप सभी को सबसे पहले ऑनलाइन डेफोस्ट्री चैनल के माध्यम से ही दी जाएंगी, और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा एक एक पॉइंट आप सभी को समझा दिया जाएगा, क्योंकि विज्ञापन के पॉइंट कोई सही तरीके से समझाते नहीं तो ऐसे में छात्र और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे में किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या चुनना है, वो सारी जानकारी मैं आप सभी को दे चुका हूँ। नौकरी किस प्रकार पक्की होगी ये भी आपको बताया कि 50 नंबर पर आपको फोकस करना है। ऐसे में परीक्षा के पैटर्न के बारे में आप सभी को बता दिया, बाकी आप सभी को पहले बता दिया गया कि ऑब्जेक्टिव आपकी उम्र पर परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। साथ ही पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में तमाम जानकारी आप सभी को अब तक मिल चुकी है, तो ऐसे में आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो भी करंट अफेयर वगैरह पार्ट है सारा करवा दिया जाएगा, एग्जाम पैटर्न आप सभी के सामने आ चुका है। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ, बिल्कुल जाइए कमेंट करिए, और सारी जानकारी आप सभी को यहां से ऑथेंटिक मिलती है। कि वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।